हैप्पी बर्थडे सलमान जी। और मैं इंदौर से आया हूँ आपके लिए। हम दिल्ली से आए हैं जी। दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। मैं कल नागपुर से आया। मैं दिल्ली से आया। जब भाई की कौन सी आपकी फेवरेट मूवी का कोई फेवरेट डायलॉग जो आपको बेस्ट लगता हो? एक बार जो मैंने कमेंट बंद कर ली, इसके बाद मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता हूँ। तुम में इतने छेद कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से यार आधे कहाँ से। जिंदगी में तीन चीजें अंडरस्टिमेट नहीं करने का, आई मी माई सन। तुम लड़की के पीछे भागोगे, लड़की पैसा लेके भागेगी। तुम पैसे के पीछे भागोगे, लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। ओ बहन भाई, तुम सिर्फ दिल में आते हो, समझ में नहीं आते। मैं मुन्नी को घर छोड़ के ही आऊंगा। अच्छा भाई की ऐसी क्या बात है जो आपको उनका फैन बनाती है? एक चीज जो भाई की आपको बेस्ट लगती है? हमें जो फैन लगाया उसकी बॉडी जो होती है वो बॉडी के फैन है। सिक्स पैक, एब्स, मस्कुलर। मुझे बॉडी स्टाइल, वाइल, पिक्चर्स, मूवीज, डायलॉग सब पसंद है। और माँ को कैंसर था तभी भी अपना उनका जो ट्रस्ट है बीइंग ह्यूमन, उन्होंने वहाँ से मेरे को हेल्प किया था। थैंक यू सर, हैप्पी बर्थडे सर। उनकी एक अच्छी बात है कि वो बिना पूछे किसी के हमें सोच लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई इसमें कुछ भाई अच्छा है बुरा है, जो है वो दिल से जानते हैं। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप उनका बहुत अच्छा है, बॉडी उनका बहुत अच्छा है, आर्म्स अच्छी, एप्स अच्छी, बहुत अच्छा उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है। उनका गुस्सा बहुत अच्छा लगता है मेरे को, सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ उनका सब कुछ। फिल्म में उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी स्मार्ट है, उनका लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। बॉडी तो आपकी भी सही है? नहीं, मेरी अच्छी नहीं है, उनकी काफ़ी अच्छी है। इस वजह से मुझे बहुत नहीं, वैसे उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है और बहुत मेरे अच्छे फ्रेंड है वो। भाई की बेस्ट सबसे बेस्ट ये लगती है कि भाई हर छोटे को बड़े को समझते हैं और छोटे को बड़े को रिस्पेक्ट करते हैं और बच्चों से और ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उनके जैसी पर्सनालिटी कहीं नहीं है पूरे बॉलीवुड में। वो बहुत अच्छे इंसान है और जिस तरीके से वो सबको देखते हैं, इंसानियत भी है। बाकी तो सब घमंडी पड़े, बाकी इनके जैसा कोई एक्टर नहीं है। वो बिल्कुल लोगों की मदद भी करते हैं, बहुत बड़े दिल के मालिक हैं वो, बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। अच्छा सलमान खान की आपको लगता है सर शादी हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए ना, वो तो उनके मन की बात है भाई। वो अभी तो वही उनकी जो है अभी लूलिया ही है जी। मेरे हिसाब से तो मतलब इंडिया में करें किसी से। हिंदुस्तानी लड़कियों में वफा होती है और बाकी लड़कियों में कह नहीं सकते। सीरियसली ही डोंट लाइक एनीवन, हाउ मच ही यूज्ड टू लाइक ऐश्वर्या, बट ही शुड गेट मैरिड बिकॉज इट्स हाई टाइम। अब ऐश्वर्या तो नहीं रही तो देखिए कैटरीना का लिलिया वेंटर किससे भी कर रहे हैं यार, करके। सलमान भाई आप शादी किए करो और आपके जैसा 2-3 सुल्तान। भाईन को मैं तो बोलूँगा भाईन हिंदुस्तानी हो या विदेशी हो कोई भी हो भाईजान, मगर आप दिल से किसी से भी आप शादी कर लीजिए, नहीं तो कर लो भाईजान शादी, नहीं तो हम कुंवारे मर जाएंगे। मेरे हिसाब से तो कैटरीना से ही करेंगे वो, क्योंकि वो लव यार चल रहा है उनका, कैटरीना नहीं होने चाहिए। सब लोग उनको धोखा दे के चली जाती हैं, अब लड़की को ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए जो उनको धोखा दे के नहीं जाए। जूलिया वेंटूर सही है उनके लिए? नहीं, शादी सभी करते हैं, अंधे बहरे लंगड़े लूले सब कर रहे हैं, और वो नहीं करेंगे तो एक मिसाल बनेगी दुनिया में। अच्छा भाई के लिए एक बर्थडे में स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से? बस जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। भाईजान आई लव यू वेरी मच, हैप्पी बर्थडे सर, जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सलमान भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू सलमान भाई, प्लीज आप आ जाइए, लोग वेट कर रहे हैं। लव यू भाईजान। भाईजान आपको अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपको मेरी उम्र लग जाए। हैप्पी बर्थडे सलमान खान, आई लव यू। ये था सलमान खान के लिए बर्थडे मैसेजेस उनकी फैंस की तरफ से। अगर आपके पास भी उनके लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़ इस वीडियो पे नीचे कमेंट करके उनको अपना मैसेज दीजिए। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल मूवी टॉकीज़ को सब्सक्राइब करिए। बाकी हमारी पूरी मूवी टॉकीज़ की टीम की तरफ से हमारे इंडस्ट्री के आण बाण और शाण सोड़ताण को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम सलमान भाई, खुश रहना, बढ़ते रहना।